आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान खबरें सबसे तेज। IPL 2020 का 32वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आज शाम 7:30 बजे अबुधाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा। कोलकाता नाइट राइडर्स अभी फिलहाल टॉप 4 में जगह बनाए हुए हैं, लेकिन सुनील नारायण के उपलब्ध ना होने की वजह से टीम काफी कमजोर यहां पर नजर आ रही है। मुंबई इंडियंस की तुलना में कोलकाता के पास ना तो बल्लेबाजी विभाग में कोई बड़ा नाम है ना ही गेंदबाजी विभाग में, ऐसे में मुंबई इस मैच में बतौर फेवरेट यहां पर उतरेगी। शानदार फॉर्म में चल रही मुंबई इस मैच को जीतकर प्लेइंग टेबल में शीर्ष पर पहुंचना चाहेगी, वही यहां पर कोलकाता की टीम भी इस मैच को जीतना चाहेगी। वही मुंबई इंडियंस और कोलकाता के बीच लगातार दोनों मैचों के मुकाबले कड़े रहे हैं। दोनों टीमों में यहाँ पर खतरनाक बल्लेबाज देखने को मिल रहे हैं। वही बात करें दोनों मैचों की, तो दोनों टीमों के मैचों की, तो यहां पर अबुधाबी के शेख जायद इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मुकाबले में मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। हालांकि खिलाड़ियों को यहां थोड़ी भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा, यहां ओस नहीं रहेगी, ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकती है। वही शारजा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की तुलना में अबुधाबी का शेख जायद स्टेडियम का बिल्कुल अलग है। इस मैदान के साइज के हिसाब से काफ़ी बड़ा है, लेकिन यहाँ स्पिनर को कुछ मदद मिल सकती है, ऐसे में दोनों टीमें यहाँ पर दो दो स्पिनर बॉलर को खिला सकती है। वही यहाँ पर मुंबई इंडियंस की संभावित प्लेइंग 11 में रोहित शर्मा, डीकॉक और सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, केरन पोलार्ड, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या और राहुल चहर और बोल्ट और जेम्स पेटिसन और जसप्रीत बुमराह इस टीम में होंगे। भाई कोलकाता नाइट राइडर्स की संभावित प्लेइंग 11 में यहां पर पैटन शुभम गिल, राहुल त्रिपाठी, नीतीश राणा, दिनेश कार्तिक और इयन मॉर्गन और आंद्रे रसल, कमलेश नागरगोटी और प्रसिद्ध कृष्णा और वरुण चक्रवर्ती और पैट किमिंस जैसे खिलाड़ी इस टीम के पास होंगे। वही मुंबई ने यहां पर अपने 4 मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि केकेआर की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले मैच में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से 82 रन से करारी शिकस्त यहां पर केकेआर को झेलनी पड़ी थी। वही मुंबई के अपने अंतिम एकादश में बदलाव करने की संभावना नहीं है। केकेआर की तरफ से मुख्य स्पिनर सुनील नारायण नहीं खेल पाएंगे, ये एक यहां पर टीम के लिए नुकसान देखा जा रहा है। वही वेस्टइंडीज के इस स्पिनर की संदिग्ध गेंदबाजी के एक्शन के लिए रिपोर्ट की गई थी। वही RCB के खिलाफ मैच वो नहीं खेल पाए थे और केकेआर उनके मामले में जल्दी यहां पर समाधान चाहता है। वही यहां पर मैच में लगातार बने रहने के लिए यहां पर यह मैच यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स को जीतना होगा। वही यहां पर मुंबई को भी यहां पर अपने यहां पर स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए यहां पर यह मैच जीतना जरूर होगा। अगर नारायण फील्ड से बाहर रहते हैं तो यहां पर मुंबई की संभावना बढ़ जाएगी। मैच शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा। भाई मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने इस सत्र में दोनों अर्धशतक इसी मैदान पर उन्होंने लगाए हैं। वैसे भी केकेआर के खिलाफ उन्हें खेलना पसंद है। दोनों टीमों के बीच मुकाबले में यहां पर रोहित शर्मा ने 80 रन बनाकर अपनी टीम को यहां पर 49 रन की जीत की अहम भूमिका पहले निभाई थी अगले मैच में। वही रोहित शर्मा के अलावा यहां पर मुंबई के शीर्ष क्रम में अन्य बल्लेबाजों की भी अच्छी फॉर्म में है। वही डीकॉक 191 रन वो बना चुके हैं। उसके अलावा यहाँ पर सूर्य कुमार यादव 223 रन बनाकर अपना अच्छा प्रदर्शन जारी रखने की कोशिश करेंगे। वही ईशान किशन भी 186 रन बनाकर यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। RCB के खिलाफ उन्होंने 99 रन की पारी खेली थी, लेकिन उनकी शुरुआत को बड़ा स्कोर में बदलने की जरूरत होगी। वही हार्दिक पांड्या और केरन पोलार्ड के अलावा कुणाल पांड्या भी ताबड़तोड़ रन बनाने की क्षमता का प्रदर्शन पेश कर सकते हैं। ऐसे में सुनील नारायण की गैर मौजूदगी वाले केकेआर के आक्रमण पर वो मुंबई के खिलाड़ी यहाँ पर हावी हो सकते। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।